सभी बच्चों ध्यान दें, आज हम आपको शारीरिक शिक्षा में योग एवं आसन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कल योग दिवस था 21 जून को, और योग दिवस के अवसर पर सभी लोगों ने देश भर में अपने अपने घर पर योग किया। योग के माध्यम से हम निरोगी भी रह सकते और अपना शरीर भी बलिष्ठ बना सकते और हर प्रकार के खेलकूद में भी प्रतिभाग कर सकते हैं। योग करने के लिए कुछ नियमों का मानना आवश्यक है। जैसे योग सुबह खाली पेट किए जाते हैं। योग करने के लिए हम ऐसी जगह का उपयोग करें जहां पे हवा आ रही हो और खुला स्थान हो, तो नीचे एक चटाई या चद्दर या दरी बिछाकर और उस पर योग करने के लिए सर्वप्रथम हम जो भी योग करें उसके लिए हमें सही तरीके से करना बहुत आवश्यक है। कभी कभी व्यायाम करते समय हम कुछ नियमों का पालन करना जो कभी लापरवाही करने के कारण उसका हमें सही लाभ नहीं मिल पाता है और उसके प्रभाव शरीर पर विपरीत होने लगते हैं। इसलिए व्यायाम करने के लिए व्यायाम सदा खुली एवं शुद्ध हवा में करना चाहिए। व्यायाम प्रातः या साय करना चाहिए। भोजन के 2-3 घंटे बाद तक कोई कठोर व्यायाम ना करें, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि सुबह व्यायाम करें। भोजन के बाद अगर हम व्यायाम करेंगे, ये जो कठोर व्यायाम है, तो स्वाभाविक है या तो हमारा जी मचलाने लगेगा या हमें वॉमिटिंग होने लगेगी और भी व्यवधान आ सकते हैं। इसीलिए व्यायाम करने का समय सुबह का सबसे अच्छा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठें और फ्रेश होके आए, कुल्ला करें। कुल्ला करने के बाद फिर खुली हवा में या पार्क में या छत पर या कमरे में जहाँ पर रोशनदान हो या खिड़की जंगले हो, ऐसी जगह पर व्यायाम करना चाहिए। प्रथम व्यायाम हल्का, फिर थोड़ा भारी, इस प्रकार धीरे धीरे व्यायाम बढ़ाना चाहिए। यानी किसी भी चीज को करने के लिए पहले स्टार्टिंग में जो भी कार्य हम करते हैं उसको आराम यानी जो हल्के तरीके के होते हैं उनसे स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे भारी करने लगते हैं। व्यायाम झटके से नहीं करना चाहिए। व्यायाम आयु, लिंग, शारीरिक क्षमता के आधार पर होना चाहिए। कठोर व्यायाम करने से पहले शरीर को गर्म करना आवश्यक है। गर्म करने के लिए जैसे हम लोग वार्म अप करते हैं या थोड़ा बहुत दौड़ते हैं या हाथ पैर चलाते हैं, हाथ आगे चलाते हैं, पीछे चलाते हैं, कमर को लेफ्ट टर्न करते हैं, राइट टर्न करते हैं, इस तरह थोड़ी शरीर में गर्मी आ जाती है। और गर्मी जब शरीर में आ जाती है तो व्यायाम करने का आनंद ही कुछ और है। व्यायाम के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर गर्म रहता है तो व्यायाम करने के बाद जब हम इसीलिए कोई भी व्यायाम करो, व्यायाम करने के बाद लास्ट में शव आसन की जाती है। शव आसन यानी मुर्दा आसन। शव आसन करने के लिए हम सीधे लेट जाते हैं और सांस को एकाग्र करते हैं और गर्दन लेफ्ट या राइट साइड को हल्की सी मोड़ लेते हैं और हाथ पैर बिल्कुल खुले छोड़ देते हैं। उससे हमें बड़ा रिलीव और रिलैक्स महसूस होता है और कुछ देर बाद हमारे शरीर में जो भी व्यायाम करने के बाद जो भी गर्मी आई है वो धीरे धीरे शांत हो जाती है और हमारा पसीना भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ये नॉर्मल हो जाए शरीर, तभी हमको जो है स्नान करना चाहिए या अन्य चीज़ों का पानी यानी पीना है या कुछ करना है तभी पीना चाहिए। व्यायाम के बाद पेय पदार्थ
या फलों का सेवन करना चाहिए, अर्थात जल्दी पचने वाला भोजन करना चाहिए, ढीले वस्तुओं को धारण कर व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के लिए एक प्रॉपरली सोना चाहिए, या तो लोअर और टी शर्ट, या फिर जो है निकर और टी शर्ट, इस प्रकार से कि व्यायाम करने में हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। क्योंकि व्यायाम करने के लिए जब हम शरीर के अंग को मोड़ते हैं या उनको सीधा करते हैं, तो अगर हमारे तंग कपड़े होंगे तो स्वाभाविक है, एक तो सही ढंग से हम कर नहीं सकते हैं, और दूसरा जो है उसको करने के बाद अगर हम सही से पैर फैलाएंगे तो कपड़े फटने का भी डर रहता है। इसीलिए व्यायाम के लिए हमें व्यायाम वाले ही आवश्यक कपड़ों को पहनना चाहिए। अब इससे कुछ जो लाभ हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। व्यायाम से फेफड़ों में ऑक्सीजन अधिक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, जिससे हमारा रक्त शुद्ध होता है, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है, विकास होता है, अस्थियों के वृद्धि एवं विकास में सहायता मिलती है, शरीर के सभी संस्थान सुचारू रूप से विकसित हो जाते हैं और रोगों से बचाव की क्षमता पैदा होती है, शरीर में लचीलापन और स्फूर्ति आती है, कार्य क्षमता का विकास होता है। तो इस तरह से व्यायाम करने के से हमें अनेक लाभ हैं और प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। खासतौर से युवा वर्ग तो खेल कूद के अपना उतना मनोरथ पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उनका भी ये है कि अगर वो व्यायाम नहीं कर पाती हैं तो जो घरेलू कार्य है, घरेलू कार्य के माध्यम से उनको तमाम प्रकार का व्यायाम हो जाता है। जैसे सुबह उठ के उनको झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर मकान की सफाई करना, पन्ना नहाना, तो इस प्रकार से उनकी जो दिनचर्या है वो किसी भी प्रकार से, पहले महिलाओं को और भी अनेक कार्य होते थे लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ और वो काम कम हो गए। पहले उनको भोजन और झाड़ू पोछा के अलावा खाने के लिए जो भोजन बनाती थी उसके पहले आटा पीसना पड़ता था, चकिया चलाना पड़ती थी, तो इससे भी कमर और पेट के व्यायाम हो जाते थे और किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती थी। और भी कई काम थे, जैसे मठा को भाना है तो उसमें भी हाथ पैर कमर के व्यायाम हो जाते थे। तो इस तरह अब ये धीरे धीरे ये काम सब इसलिए बंद हो गए कि जो है बिजली की चक्कियां लग गई हैं, मठा भाने के लिए भी इलेक्ट्रिक रई का प्रयोग लोग करने लगे हैं, तो ये धीरे धीरे बोझ कम हो गए हैं और व्यक्ति आलसी हो गया है। जब जब व्यक्ति ज्यादा आलसी हो जाता है तो स्वाभाविक है उसे कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कहा गया है कि अगर सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में घूमने फिरने और व्यायाम करने से हमारी काया निरोगी हो जाती है, माइंड फ्रेश रहता है और दिन भर हमें किसी भी प्रकार की थकावट नहीं होती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि आजकल ज्यादातर दिनचर्या ये है कि जो लोग काम नहीं करते हैं, जिनको ज्यादा काम नहीं है, वे लोग अपना भोजन करने के बाद और लेट जाते हैं, नींद लेते रहते हैं, और भोजन करने के बाद तत्काल नींद लेना ठीक नहीं है। अगर तत्काल व्यक्ति नींद लेता है तो फिर उसको ना तो भोजन सही तरीके से पचता है और तमाम प्रकार की परेशानियां उसके शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं, कहीं वातांश बढ़ जाता है, कहीं घुटनों में दर्द होने लगता है, कहीं
डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, जो कि फिर हमारा खाना पीना बंद करके और हमको घूमना अति आवश्यक कर देती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके हो जाने से शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और व्यक्ति को इंसुलिन बाहर से लेना पड़ती है। तो इस प्रकार जब वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो यही कहता है कि कम से कम 2 से 5 किलोमीटर आप पैदल चलिए और इसके बाद शरीर के घरेलू काम करिए और आपको मीठा तो बिल्कुल खाना ही नहीं है इसके, और जो भी भोजन आप करेंगे उसमें भी मिठास होती है। जैसे आप सोचो कि हम आलू खा रहे हैं तो आलू में भी मिठास होती है, गेहूं की रोटी खाते हैं उसमें भी मिठास होती है। तो बिना मीठा खाए भी मिठाई की मात्रा भरपूर मात्रा में पहुंचती है। इसके अलावा व्यक्ति दिन भर कई बार चाय का सेवन करता रहता है तो चाय से भी अधिक मात्रा में शक्कर हमारे शरीर में इकट्ठी होती है और वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि अगर आप शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं, अपनी काया को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो व्यायाम बहुत आवश्यक है। ये केवल भारत में ही नहीं, अब अनेक देशों में इसका प्रचलन धीरे धीरे फैल रहा है। आज के युग से नहीं, ये हमारे यहाँ पुरातन काल से ये इसका प्रचलन है। पहले ऋषि मुनि योग के द्वारा ही, योग से ही, योग और त्राटक के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे और जड़ी बूटियों का सेवन करने के बाद उनको किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता था। आज इतना ही, आप सब लोग इसका विशेष ध्यान रखें और घर पर सभी लोग योग जरूर करें।